हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज किसी कारणवश मैं वीडियो अब नहीं बना सकता हूं उस स्थिति में मैं नहीं हूं इसलिए मैं आज आपके साथ इस ऑडियो द्वारा बात करूंगा दोस्तों हमारे चैनल के एक दर्शक मित्र है जिनका नाम है मंसूर एम उन्होंने एक सवाल पूछा है जो हाईकोर्ट के प्रोसीजर के बारे में है और उस सवाल का जवाब मैं यहाँ इस ऑडियो में इस वीडियो ऑडियो में दूंगा अब सवाल अंग्रेजी में है तो पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा और उसके बाद उसका अनुवाद हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको सवाल समझ में आए तो वो पूछते हैं डियर रिस्पेक्टेड सर आई एम वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ योर चैनल एंड आई एम ऑलवेज वॉचिंग योर वीडियोज आई हैव वन केस इन हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड द रिस्पॉन्डेंट्स आर ग्राम पंचायत एंड प्राइवेट पर्सन इन द वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट When I check the status, it was showing that the learned AGA for responder number one accepts the notice and issue notice to responder number two returnable by XYz date. Now my question is number one when preliminary stage of hearing in any case, why the court saying as mentioned above, why the court directly not issuing notice to the respondents? number two what is the meaning of returnable number 3 suppose if the private person did not respond to the notice what is the next step of the court number 4 whether the government advocate issues notice or court is issuing the notice why aga accepting the notice and who are these people does these advocate always be in court These questions I have asked in my comment section also, so please make one video regarding my query. Waiting for यू you, your video. अब जल्दी से मैं इनके सवाल का हिंदी अनुवाद करके आपको समझा देता हूँ वह कहते हैं प्रिय आदरणीय महोदय मैं आपके आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स में से एक हूँ और मैं हमेशा आपके वीडियो देख रहा हूँ मेरा कर्नाटक के उच्च न्यायालय में एक मामला है और उत्तरदाता ग्राम पंचायत और निजी व्यक्ति है हाईकोर्ट की वेबसाइट में जब मैंने स्थिति की जांच की तो यह दिख रहा था कि प्रतिवादी क्रमांक एक के लिए एजीए ने नोटिस स्वीकार किया है और नोटिस प्रतिवादी नंबर दो को एक्स वाई जेड तारीख तक वापस करने योग्य यानी कि रिटर्नेबल ऐसा जारी किया है अब मेरे प्रश्न है नंबर वन जब किसी मामले में सुनवाई प्रारंभिक चरण में हो तो अदालत ऊपर बताए अनुसार क्यों कह रही है अदालत प्रतिवादी को सीधे नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही नंबर दो वापसी योग्य का क्या अर्थ है मतलब कि रिटर्नेबल का क्या अर्थ है नंबर तीन मान लीजिए अगर किसी निजी व्यक्ति को नोटिस का जवाब नहीं दिया मतलब किसी निजी व्यक्ति ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कोर्ट का अगला कदम क्या होगा क्या नंबर चार क्या सरकारी वकील नोटिस जारी करते हैं या अदालत नोटिस जारी करती है एजीए नोटिस क्यों स्वीकार कर रहा है और ये लोग कौन हैं क्या ये वकील हमेशा अदालत में रहते हैं ये प्रश्न मैंने टिप्पणी के अनुभाग में पूछे हैं मतलब वीडियो के कमेंट्स में पूछे कृपया मेरी क्वेरी के संबंध में एक वीडियो बनाएं आपके वीडियो के इंतजार में दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कोर्ट के प्रोसीजर से रिलेटेड है इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको इन सभी का जवाब दूंगा तो देखिए इनका पहला प्रश्न है कि यह प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ हियरिंग में आ, किसी भी केस में कोर्ट ऐसे क्यों कह रहा है जो इन्होंने बोला क्यों नहीं कोर्ट सीधा रिस्पॉन्डेंट्स को नोटिस इशू कर रहा है तो देखिए मंसूर जी और सभी दोस्तों इस को इस केस में इस मामले में कोर्ट ने सीधे ही तो नोटिस इशू की हुई है ये बात शायद आप समझ नहीं पाए कोर्ट ने कहा इशू नोटिस टू रिस्पॉन्डेंट नंबर टू रिटर्नेबल बाय अ पर्टिकुलर डेट यानी कि प्रतिवादी नंबर दो को नोटिस जारी किया जाए और एक पर्टिकुलर तारीख तक वो लौट आए मतलब कि नोटिस सर्विस हुई कि नहीं वो रिपोर्ट लौट आए ताकि अगर नोटिस की सर्विस हो गई है ऐसा रिपोर्ट आता है तो कोर्ट उस मामले में आगे बढ़ सकती है तो देखिए ऐसा है जब भी कोर्ट नोटिस जारी करती है प्रतिवादियों पर तो उस नोटिस की सर्विस उन पर होना ज़रूरी है वो कोर्ट का नोटिस उन पर तामिल होना ज़रूरी है वो उन्हें मिलना ज़रूरी है और इस प्रकार जब कोर्ट नोटिस इशू करने की ऑर्डर करते हैं आदेश करते हैं तो कोर्ट की एक यंत्रणा होती है जहां पर बेली वगैरह टाइप के लोग अपॉइंटेड होते हैं और वो कोर्ट की नोटिस लेकर प्रत्यक्ष रूप में उस प्रतिवादी के ऊपर तामिली कर उनका रिपोर्ट रजिस्ट्री में देते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट वो नोटिस सर्व किया या नहीं किया और जब इस तरह तरह का रिपोर्ट कोर्ट के रजिस्ट्री में प्राप्त हो जाता है कि नोटिस इज सर्वड ऑन रिस्पॉन्डेंट नंबर सो एंड सो तब कोर्ट केस में उस प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती है तो इस प्रकार से यह सीधे सीधे नोटिस जारी करना ही हुआ अब रही बात नोटिस एक्सेप्टेंस uh, की एजीए ने नोटिस एक्सेप्टेंस की अब मैं समझता हूं यहां पर एजीए का मतलब आप बता रहे असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट या एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट मतलब कि गवर्नमेंट लीडर तो देखिए जब केस में कोई भी सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट या सरकार का अधिकारी प्रतिवादी होता है तो उनको नोटिस जारी करते वक्त कोर्ट उनके न्यायालय में जो सरकारी वकील उपस्थित है उनके द्वारा तामिली करते हैं मतलब ये कि अगर सरकार पक्ष को नोटिस जारी करनी है तो कोर्ट इस बात की वेट नहीं करते कि कोर्ट का बेलिफ वो नोटिस को लेकर वो सरकार के डिपार्टमेंट में जाएगा और सेक्रेटरी के ऊपर या गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर तामील कर वो लौटाएगा रजिस्ट्री में रिपोर्ट देगा ये बहुत समय खाऊ प्रोसीजर है मतलब बहुत समय लगता है लंबा समय लगता है इस समय को करटेल करने के लिए शॉर्ट करने के लिए ये मेथड अपनाई जाती है कि सरकार का जो भी वकील न्यायालय में उपस्थित है उसके द्वारा उसकी तामीली करें मतलब कि सीधे सीधे सरकारी वकील नोटिस स्वीकार कर लेता है इस वजह से कोर्ट के बेलीफ के यंत्रणा के थ्रू उस नोटिस को सरकारी प्रतिवादी जो है सरकारी का सेक्रेटरी होगा या ऑफिसर होगा उन तक अलग से नोटिस पहुंचाने की या सर्विस करने की जरूरत नहीं है सरकारी वकील ही उनके बिहाफ पर नोटिस एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इंटरनल उनका कम्युनिकेशन होता है सरकारी वकील फिर वो जो प्रतिवादी है जो सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का या ऑफिसर होगा उनको तुरंत कम्युनिकेट करते हैं कि आपके बिहाफ़ पर मैंने हाईकोर्ट में नोटिस एक्सेप्ट की हुई है और ये नोटिस में नोटिस के साथ मुझे पिटिशन की कॉपी प्राप्त हुई है जो मैं आपको भेज रहा हूं और इस पिटिशन में ये ये पॉइंट्स है ये ये बातें आपके खिलाफ कही गई है आपका इस पर क्या कहना है उसके पैरावाइज कमेंट्स मुझे भेजें इस प्रकार का कम्युनिकेशन सरकारी वकील वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ करते हैं तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका प्रतिसाद देते हुए उनके पैरावाइज कमेंट्स सरकारी वकील को भेजते हैं जो पढ़कर सरकारी वकील और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो डिस्कशन कर उनका डिफेंस बनाते हैं अगर डिफेंस सही नहीं है तो वो सरकारी वकील उनसे कम्युनिकेट करके उनको कहते हैं कि आपके आपका स्टैंड जो है वो सही नहीं है मतलब कम से कम ये अपेक्षा है सरकारी वकील से कि आपका स्टैंड सही नहीं है सो आप कृपया सही बातें बताइए तो इस तरह से इंटरनल कम्युनिकेशन के वजह से हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ऑफिसर के बिहाफ पर कहो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ पर जवाब दाखिल करने का समय बचता है ऐसा अपेक्षित है यानी बचेगा ऐसा अपेक्षित है अब ठीक है प्रत्यक्ष रूप में उसके बावजूद भी गवर्नमेंट लीडर्स समय मांगते हैं तारीख लेते हैं क्योंकि उनके पास ढेर ध्रे, सारा काम होता है और फिर कम्युनिकेशन uh, कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है या पहुंचने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफिसर जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करते इन वजहों से उसमें भी समय लगता है भले बट ये जो प्रोसीजर है सर्विस होने की कम से कम वो एक स्टेप वो तो भी कम से कम फास्ट आगे बढ़ती है ये बात वहाँ पर होती है इसलिए कोर्ट प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ हियरिंग में ऐसा कह रहा है जो आपने प्रश्न में पूछा है ठीक है यह था पहले सवाल का जवाब अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर यह पूछते हैं आप पूछते हैं कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्नेबल तो ये जो रिटर्नेबल वर्ड है इसका मीनिंग सिंपल है कोर्ट जब नोटिस जारी करते हैं फॉर एग्जाम्पल नोट इश्यू नोटिस टू रिस्पॉन्ड नंबर थ्री रिटर्नेबल विद इन टू वीक्स इसका मतलब यह है कि कोर्ट ये कह रहे हैं कि हम आज नोटिस जारी करने की ऑर्डर तो कर रहे हैं मगर इसकी तामिली जो है ये तामिली करके दो हफ्ते के अंदर इसके बारे में जो भी है वो रिपोर्ट हमें सादर कीजिए तो रिटर्नेबल मतलब रिपोर्ट शुड बी रिटर्नेबल सर्विस नोटिस रिपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस शुड बी मेडर्नेबल सॉरी शुड बी रिटर्नेबल विद इन द टाइम गिवन बाय द कोर्ट और वो जो तारीख दी है वहाँ तक तो इस तरह से जब कोर्ट नोटिस रिटर्नेबल करते हैं किसी पर्टिकुलर तारीख तक या कोई पर्टिकुलर समय तक तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कोर्ट की जो यंत्रणा है वो उस नोटिस की तामिली जल्द से जल्द कर उस तारीख के अंदर तक अपना रिपोर्ट रजिस्ट्री में सादर करें अब यहाँ भी एक बात आप ध्यान ले लीजिए ध्यान में ले लीजिए वो ये कि इस तरह से जब नोटिस तामिल होती है तो कई बार समय लगता है मतलब ज़रूरी नहीं कि कोर्ट ने दिए हुए समय के अंदर ही वो हो जाएगा बट कम से कम उन्हें कोई रिपोर्ट देनी तो पड़ती ही है फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए वो वहाँ गए तो वो व्यक्ति वहाँ मिली नहीं मिली घर घर में रहती है नहीं रहती है घर छोड़ के गई या उपलब्ध थी या नहीं थी जो भी तो जो भी कारण होंगे वो सब उनको देना पड़ता है या फिर अगर वो व्यक्ति मिलती है और कोर्ट की नोटिस उन पर सर्व होती है तो वो वैसा रिपोर्ट वहाँ देते हैं कि नोटिस आर सर्व्ड तो उस तारीख का वो महत्व है अब मान लो उस तारीख तक सर्विस नहीं हुई तो जब मैटर कोर्ट में लगता है उस तारीख को वहाँ पे रजिस्ट्री नोट लिखती है कि नोटिस स्टिल नॉट सर्व्ड या नोटिस स्टिल अवेटेड और उनका एक रिपोर्ट रहता है तो नॉर्मली कोर्ट्स उस तारीख को फिर एक्सटेंड कर देते हैं ऑल राइट सर्विस ऑफ सॉरी नोटिस रिटर्नेबल डेट एक्सटेंडेड बाय से टू वीक्स थ्री वीक्स फोर वीक्स जो भी है इस तरह से वो डेट को बढ़ा देते हैं ताकि कम से कम उन बढ़े हुए तारीख के अंदर सर्विस हो जाए सो रिटर्नेबल डेट गेट्स एक्सटेंडेड मेनी टाइम्स तो ये उसका मीनिंग है द मीनिंग ऑफ रिटर्नेबल आपका अगला सवाल है कि सपोज इफ द प्राइवेट पर्सन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द कोर्ट तो देखिए प्राइवेट पर्सन रहे या गवर्नमेंट ऑफिसर रहे कोई भी प्रतिवादी जब कोर्ट की नोटिस मिलने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं देते प्रतिसाद नहीं देते तो ऐसे में ऐसा नहीं होता कि अब कोर्ट का काम काज ठप हो गया या वो केस आगे ही नहीं बढ़ेगी ऐसा तो हो नहीं सकता उनने नोटिस लेने के बाद भी प्रतिसाद नहीं दिया इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कोर्ट के नोटिस के साथ जो केस उनको प्राप्त हुई पिटिशनर की उसमें जो जो बातें लिखी है उन पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना है और उसमें से लिखी उसमें लिखी हुई बातें उन्हें मंजूर है ऐसा उसका इन्फ्रेंस निकलता है ऐसा उसका मतलब निकलता है मतलब दो तीन चार चांसेस देने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते और कोई रिप्लाई दाखिल नहीं करते तो मैंने जैसे बताया वैसा उसका मतलब निकलता है निकाला जा सकता है कि पिटिशन में लिखी हुई बातें उन्हें मंजूर है और ऐसा मतलब निकालने के बाद कोर्ट उस प्रेजम्पन पर उनके खिलाफ उनके रिप्लाई के बिना रिस्पांस के बिना भी केस को आगे चला सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कॉन्शंस को यानी कोर्ट के बुद्धि को जो पटता है उस हिसाब से जजमेंट दे सकते हैं ठीक है तो ये था आपके तीसरे सवाल का जवाब अब चौथा सवाल आपका है क्या यहाँ पर गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोर्ट को नोटिस की है जारी या मतलब सरकारी वकील नोटिस जारी कर रहा है या अदालत नोटिस जारी करती है तो भैया देखिए नोटिस जारी करने की पावर किसी भी केस में सरकारी वकील को नहीं होती है कोर्ट को होती है अदालत ही नोटिस जारी करती है वो आदेश करने की पावर कोर्ट को होती है एक पक्ष की बात सुनने के बाद जब कोर्ट को लगता है कि इस केस में कुछ दम है अब इस पर एकदम निर्णय देने की बजाय दूसरे पक्ष की भी बात थोड़ी सुनी जाए तो कोर्ट अपने अधिकार में अपने शक्ति में आदेश देते हैं कि नोटिस बी इश्यूड टू द रिस्पॉन्डेंट्स कॉलिंग अपॉन देम कि उन्हें क्या कहना है तो ये जो पावर है ये सरकारी वकील की नहीं है ये अदालत की पावर है और अदालत नोटिस जारी कर रही है अब आपका अगला सवाल उसी के अंदर है कि एजीए नोटिस क्यों स्वीकार कर रहा है और ये लोग कौन है क्या ये लोग वकील हमेशा अदालत में रहते हैं तो देखिए भाई साहब ऐसा है जब कोई वकील सरकारी वकील करके नियुक्त होता है तो वो एक प्रकार से सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल होता है स्टैंडिंग काउंसिल यानी कि ऐसा वकील जो अदालत में जो कार्रवाइयाँ चलती है उसमें आ, सीधे सीधे अपने क्लाइंट के तरफ से मतलब कि सरकार पक्ष की तरफ से खड़े होकर नोटिस एक्सेप्ट कर सकता है एक्सेप्ट मतलब कोई मामला चल रहा है और वो उस केस में सरकारी वकील नहीं भी है और वो कोर्ट में उपस्थित हैं और अगर कोर्ट कहते हैं कि लर्नड एजीपी मतलब एजीए उधर आपके कर्नाटका में एजीए कहते होंगे हमारे महाराष्ट्र में एजीपी बोलते हैं असिस्टेंट गवर्नमेंट पीडर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन पदों पर मैं भी रह चुका हूं काफ़ी सालों तक तो वो उस कोर्ट में अगर उपस्थित होते हैं और कोर्ट उस मामले में नोटिस जारी कर रहा है तो कोर्ट उनको बुलाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि आदेश करते हैं रिक्वेस्ट की बजाय मैंने तो कहना चाहिए आदेश कह कह गवर्नमेंट पीडर एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा गवर्नमेंट और उनके जो वकील है सरकारी वकील उनमें हमेशा होती है इसलिए एज ये नोटिस स्वीकार कर रहा है अब ये सरकारी वकील को भी पता है कि ये प्रोसीजर से अगर जाएं तो कोर्ट की कार्रवाई जल्दी से आगे बढ़ेगी इसलिए वो सहकार्य करने की भी बात होती है तो so ये बात हमेशा अंडरस्टैंडिंग रहती है जजेस और सरकारी वकील के बीच में तो जब भी जजेस इस तरह से ऑर्डर करते हैं तो सरकारी वकील नोटिस स्वीकार कर लेते हैं कोर्ट में उपस्थित रहते हुए अब आप पूछते हैं क्या ये वकील हमेशा अदालत में रहते हैं तो जवाब है जी हाँ सरकारी वकील हमेशा अदालत में उपस्थित रहते हैं अब हर हाईकोर्ट में जो सरकारी वकील कार्यालय है उनकी अलग अलग मेथड्स होंगी जैसे कि महाराष्ट्र में मैं नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट का जो नागपुर बेंच है वहाँ पर सरकारी वकील करके कार्यरत था तो यहाँ ऐसी प्रैक्टिस है कि जो मुख्य सरकारी वकील होता है वो उनके टीम में जो दूसरे एडिशनल गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं उनमें से ग्रुप्स बनाकर हर कोर्ट में असाइन कर देता है उनकी ड्यूटी असाइन कर देता है लगा देता है जो कि उस कोर्ट का जो रोस्टर है तब तक कंटिन्यू होती है दो महीना ढाई महीना तो दो या ढाई महीने तक रोज वो जो ग्रुप है सरकारी वकीलों का मतलब मान लो उस ऑफिस में तीस चालीस सरकारी वकील है और उन्होंने आठ सात आठ के ग्रुप कर दिए तो मान लो ग्रुप नंबर वन कोर्ट नंबर ए में ग्रुप नंबर टू कोर्ट नंबर बी में ग्रुप नंबर थ्री कोर्ट नंबर सी में इस तरह से ग्रुप्स में वो डिवाइड होके कोर्ट रूम असाइन किए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ग्रुप उस पर्टिकुलर पीरियड तक दो ढाई महीने तक रोज उस कोर्ट की केसेस करेंगे उस कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और वो मामलों का निपटारा करते रहेंगे तो ये वकील हमेशा वहाँ सतत उपस्थित होते ही है तो इस वजह से कोर्ट के कामकाज में काफ़ी सहूलियत होती है गवर्नमेंट और वो सरकारी वकील इनके बीच में कम्युनिकेशन भी फास्ट होता है और इस तरह से वो मददगार साबित होते हैं तो एम मंसूर जी ये ये थे आपके सवालों के जवाब और इस टाइप के सवाल मेरे दूसरे दोस्तों को भी होंगे इसलिए मैंने आपका प्रश्न यहाँ पर चुना हूँ और आशा करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब मिले होंगे इनका समाधान हुआ होगा तो चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और इसी तरह इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्ञान आप इस तरह से अपने दोस्तों में शेयर करोगे उतनी उतना अच्छा होगा समाज के लिए अच्छा होगा हमारे एक हेल्दी कम्युनिटी बनने में सहायक होगा थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो